ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बड़ी बेटी ईशा देओल की पति भरत तख्तानी के साथ 12 साल की शादी टूट गई है। हालांकि बीते कुछ समय से दोनों के अलग होने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब कपल ने खुद कंफर्म कर दिया है। शादी के 12 साल बाद दिया डिवोर्स कपल ने जॉइंट स्टेटमेंट में अलग होने की बात कही है। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये प्यारी जोड़ी क्यों अलग हो रही है। आखिर साल 2012 में इतनी धूमधाम से शादी रचाने के बाद से जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तब अचानक से इन दोनों के बीच क्या हो गया जो इन्होंने अपनी शादी खत्म करने का डिसीजन ले लिया, या फिर ईशा ने पूनम पांडे की तरह ही कोई पब्लिसिटी स्टंट का गेम खेला है। आइए जानते हैं इस खबर को एकदम डिटेल में। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र की बिटिया और दामाद ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और बता दिया है कि वो अलग हो रहे हैं, अपनी शादी को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा, हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि अब हम साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे दोनों बच्चों का भविष्य सबसे अहम है और हमेशा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे। हालांकि ईशा देओल और भरत तख्तानी के अलग होने की खबरें पिछले कुछ समय से सुर्खियों में थी। दरअसल ईशा देओल अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पति के साथ फोटो शेयर करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। ऐसे में लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि शायद कपल के बीच सब ठीक नहीं है, और अब ये बात सच साबित हो गई है। और इसके पीछे की वजह को लेकर कहा जा रहा है कि दो बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से इनका डिवोर्स हुआ है। बता दें कि इस जोड़ी के टूटने की वजह भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भरत बेंगलुरु में एक पार्टी में अपनी कथित गर्लफ्रेंड संग नजर आए थे, और तो और बताया गया कि भरत की कथित गर्लफ्रेंड बेंगलुरु में ही रहती है। हालांकि इस पर कोई पक्की मुहर नहीं लगी है, बस ये रिपोर्टों के आधार पर चलने वाली थ्योरीज हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ईशा देओल ने साल 2020 में अपनी एक किताब अम्मा मियां छपवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद से भरत से उनका रिश्ता खराब होने लगा था। ईशा ने अपनी बुक में लिखा था कि जब उनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ था तो भरत काफी चिढ़ गए थे। भरत को ऐसा लगने लगा था कि ईशा उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अपनी दोनों बेटियों की देखभाल की वजह से वो उनमें बिजी हो गई थी, और इसमें भरत काफी अकेला महसूस करने लग गए थे, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दिक्कतें आने लग गई थी। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों रीजन कहीं न कहीं ईशा भरत के तलाक की बड़ी वजह भी हो सकती है। हालांकि इस फैसले से उनके दोनों बच्चों की परवरिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कपल मिलकर अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। वहीं इस न्यूज को सुनने के बाद से कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि ईशा देओल कहीं धूम 4 में नजर तो नहीं आने वाली, और इसके लिए वो लाइमलाइट में आने के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर रही हो, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से बड़े पर्दे से गायब रही हैं। खैर जो भी हो, ये तो अब आने वाले टाइम में ही साफ हो पाएगा कि इस डिवोर्स की सच्चाई क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईशा देओल और भरत तख्तानी की पहली मुलाकात कैस्केड इंटर स्कूल कंपटीशन में हुई थी। यहीं दोनों की दोस्ती हुई थी, फिर ये एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। साल 2012 में इस जोड़ी ने शादी कर ली थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।